हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज है मंडे और अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, तो 2 ही बजे हैं शायद। हाँ, 2:30 बज गए हैं, 2 नहीं बजे हैं, इसीलिए जल्दबाजी कर रहे हैं मतलब जाने के लिए। और हाँ, हम लोग जा रहे हैं रिलेटिव के घर, मतलब वास्तु शांति का प्रोग्राम है तो वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। और मुझे ना प्यास लग रही है, 1 मिनट, बाहर जाने के लिए रेडी होती हूँ ना तो बिल्कुल मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लग जाती है। और ये बाहर वेट कर रहा है एक्चुअली, मतलब थोड़ा सा पास में ही है तो इसी वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा लेट जाती हूँ। वहाँ पर इतनी जल्दी जाके भी क्या करेंगे। तो ये बोल रहा है कि नहीं, जल्दी जाना है, इसी वजह से ये बाहर खड़ा है, मेरा वेट कर रहा है। और मैं सारा लाइट्स वगैरह ऑफ कर देती हूँ और निकलती हूँ। आंटी का कैसे है, कहीं कैसे है आंटी? आंटी चला लावा ना मग्गे। तो चलिए फिर चलते हैं वहां पे और उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। अद्वी कुड़ है, अद्वी, अद्वी, चलो चलो। हमने वो बोला गाड़ी तो पलट दी थी। पापा ने गाड़ी पलटू दे। हे गाइस, ये मैं नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटर पनीर। मटर पनीर की सब्जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ और खाना बना रही थी, मतलब सब मेहमान आ गए थे तो मेहमानों के लिए खाना बना रही थी यहाँ पे मैं। और हाँ, उस दिन ना मतलब अगले दिन जब हम लोग वास्तु शांति के प्रोग्राम में गए थे तो उस दिन सब लोगों को मतलब वहाँ पर जाने के बाद हम लोग मतलब वहाँ पर तो मैं शूट नहीं कर पाई कुछ भी क्योंकि सारे थे, तो इसी वजह से मुझे अच्छा नहीं लगा वहाँ पर शूट करना। और उसके बाद ना वहाँ पर जो भी मेहमान आए थे उन्हें मैं घर पर लेके आई थी चाय नाश्ते के लिए, तो उसके बाद मतलब सारा टाइम उसी में चला गया, बहुत रात हो गई थी तो ऐसे करके। और उसके बाद तो मैंने कुछ शूट ही नहीं किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गई थी। और यहाँ पर मैं अभी नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ क्योंकि वहाँ के ही मेहमान मेरे घर पे आए हैं अभी और उनके लिए ही मैं खाना बना रही हूँ। तो और मतलब मेरे रिलेटिव ही है तो इसी वजह से। और यहाँ पर मैंने पहले ना प्याज का जो पेस्ट होता है वो डाल दिया है, और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और उसके बाद ये टोमेटो का पेस्ट डाल रही हूँ। टोमेटो ना थोड़े से मतलब लाल नहीं थे तो इसी वजह से ये पेस्ट जो है टोमेटो का कुछ इस तरह से हुआ है। तो आप सोचोगे कि ये टोमेटो का पेस्ट इस तरह से क्यों दिख रहा है। उसके बाद मैं अच्छे से मसालों को भून लूँगी, जैसे ये जो मसाला है वो सारा मसाला अच्छे से भून लूँगी ताकि मसाला अपना तेल छोड़ने लगे। और जब मसाला तेल छूटने लगे तो मसाला तेल छोड़ने लगे सॉरी तो उसके बाद मैं और ना मतलब थोड़े से काम अगर बढ़ जाते हैं ना, मतलब इधर उधर हम लोग चले जाते हैं, थोड़ा सा मसाला भी नीचे से लगने लगता है क्योंकि मुझे आज बहुत सारे काम थे, मतलब बहुत से आइटम में बनाने थे एक्चुअली। और बाकी के काम साथ साथ में कर रही थी और गेस्ट लोगों से बात भी कर रही थी तो इसी वजह से मतलब ये ऐसे हो रहा था। और थोड़ा सा मसाला नीचे से जल चुका था, मतलब इतना टेस्ट में पता नहीं चला बट थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे। और उसके बाद मैंने मसाले डाले हैं, मतलब हल्दी मिर्च और जीरा पाउडर डाला है। और यहाँ पर मैं सुरुजी का जो क्या बोलते हैं पनीर मसाला होता है वो डाल रही हूँ, तो उसके बाद ये डालना है और धनिया पाउडर वगैरह ऐड करना है और बस आपको इसे अच्छे से चला लेना है। और जितना आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च पाउडर वगैरह चाहिए उतना आप पाउडर ऐड कर सकते हो। और उसके बाद गरम मसाला वगैरह ऐड करना है और बस नमक ऐड करना है और पानी ऐड करना है और उसे भी अच्छे से मतलब चला लेना है। जब तक आपका मसाला तेल नहीं छोड़ता तब तक आपको इसे मसाले को चला लेना है। और यहाँ पर मेरा मसाला आप देख सकते हो तेल छोड़ने लगा है। और मैंने ना साइड में जीरा राइस के लिए पतीला भी रख दिया है तो वह उसमें पानी डाल दिया है और पानी बॉईल हो चुका है। उसके बाद मैं उसमें तेल ऐड करूँगी और उसके बाद हम लोग उसमें वो ऐड करेंगे, चावल ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने चावल धो के रख दिए थे और ये जो राइस है वो लंबे वाले राइस है, मतलब बासमती राइस जो डीमार्ट में मिलते हैं, प्लेन बासमती राइस, मतलब उसके आगे पीछे कोई नाम नहीं होता है। पिछली बार भी मैंने जब राइस सिखाया था आपको मतलब कैसे बनाना है पिछले ब्लॉग में, उसका नाम याद नहीं है मुझे अभी कौन से ब्लॉग में सिखाया था।
उसमें मैंने फुल रेसिपी सिखाई थी इसकी, जीरा राइस कैसे बनाते हैं। तो अभी भी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, उसके बाद मैंने वो किया था, उसके बाद तेल ऐड किया था, उसके बाद जो चावल धो के रखे थे तो वो ऐड किए हैं। और आप देख सकते हो यहाँ ना मसाले में नमक डालना भूल गई थी, तो वो नमक डाला था, मतलब अभी नमक डाला है, और मिक्स कर लूँगी अच्छे से। और फिर ना आपको उसमें वो करना है, मतलब बॉयल होने देना है। आप चावल जब पक जाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि कैसे चावल, मतलब देखना है दबा के आपको कि चावल पक गया है क्या। इतना ज़्यादा नहीं पकाना है चावल को। और यहाँ पर मैंने मटर भी ऐड कर दिया है मसालों में, मतलब मसाला मेरा भून चुका था तो इसी वजह से मटर ऐड कर दिया। अभी मटर होने दूंगी और उसके बाद पनीर ऐड करूँगी। तो वहाँ पर चावल भी मेरे जो है वो बॉईल हो रहे हैं, और यहाँ पर मैं पनीर ऐड कर रही हूँ, तो साथ साथ मेरे दोनों काम हो रहे हैं। तो इसी वजह से, और थोड़ी सी जल्दबाजी थी तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा जल्दी 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 करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मेहमान आके बैठे थे और मुझे खाना जल्दी बनाना था और खाना परोसना भी था, मतलब खाना भी था। हमें जल्दी से बहुत टाइम हो गया था क्योंकि ब्रेकफास्ट पहले किया था, ब्रेकफास्ट करते करते बातें कर रहे थे तो इसी वजह से बहुत लेट हो गए थे ऑलरेडी। और उसके बाद मुझे खाना बनाना था, तो थोड़ा सा गेस्ट आ जाते हैं ना तो थोड़ा सा मतलब टाइम भी लगता है, क्योंकि हम लोग बातें करते करते मेहमानों से काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें निकल जाता है। तो इसी वजह से ना बहुत, मतलब ऐसा ही होता है मेहमान आने के बाद। और यहाँ पर फिर अब मेरी सब्ज़ी भी बॉईल, मतलब सब्ज़ी भी बन रही थी और उधर मेरे चावल भी बॉईल हो रहे थे। तो यहाँ पर राइस आप देख सकते हो बॉईल हो ही रहे हैं, मतलब, और मैं चेक कर रही थी बीच बीच में चावल हो गए या नहीं। तो और इधर मैं गैस बंद कर दूंगी और यहाँ पर धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए डाल दूंगी, मतलब वो मटर पनीर के ऊपर। और मेरी मटर पनीर की जो सब्जी है वो रेडी हो चुकी है, और उसके बाद यहाँ पर मेरे चावल भी रेडी हो चुके हैं, मतलब चावल बॉईल हो चुके हैं। ज़्यादा बॉईल नहीं होने देना है चावल को, मतलब एकदम गलने नहीं चाहिए, थोड़ा सा आपको उसको खड़ा खड़ा से ही रखना है। और उसके बाद उसे अच्छे से एक स्ट्रेनर में स्ट्रेन कर लेना है, उसका जो पानी है वो स्ट्रेन कर लेना है। और उसका पानी निकल जाने के बाद ना वो एकदम खुले खुले से बन जाएंगे। अगर ज़्यादा ही पक चुके हैं तो एकदम थोड़ा सा ठंडा पानी भी ऐड कर दीजिए, जल्दी से वो खुले खुले से बन जाएंगे। और उसको हवा लगने के बाद अच्छे से बन जाता है वो खुले खुले से। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक कढ़ाई चढ़ा रही हूँ, उसमें मैंने ऐड किया है तेल, मतलब जीरा राइस को तड़का देने के लिए, मतलब जीरे को तड़का देने के लिए। और उसमें मैं ना जीरा डालूंगी, मतलब थोड़ा सा जीरा आपको ज़्यादा ही डालना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से खुले खुले से चावल बन गए थे, इस तरह से स्ट्रेन किया था स्ट्रेनर में मैंने उसे, और पूरा पानी निकल गया था। और पानी निकलने के बाद इस तरह से ये खुले खुले से चावल बन गए थे। उसके बाद यहाँ पर तेल गर्म हो जाने के बाद मैं ऐड करूँगी उसमें जीरा। जीरा मैं आपको पहले बता रही हूँ थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना है, नहीं तो हम लोग सब्जी वगैरह के लिए डालते हैं ना उतना नहीं करना है, थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करना है। आप देख लोगे कितना मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, और इतना आपको जीरा ऐड करना है। आप देख सकते हो, मतलब थोड़ा सा जीरा दिखे उसमें, जैसे कि चावल आप डालोगे तो उसमें थोड़ा सा जीरा दिखे। और जैसे ही जीरा डाल देते हो तो चावल का जो ये है, मतलब गैस फ्लेम है, वो बंद कर देना है, और बस चावल ऐड करना है और चावल को अच्छे से चला लेना है। और उसमें ना ऊपर से नमक ऐड करना है, क्योंकि हमने पानी में नमक नहीं ऐड किया था, इसमें पानी में नमक नहीं डलता है, ऊपर से नमक डलता है। इसी वजह से हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मतलब जो चावल है वो, जीरा और चावल जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। उसके बाद हम लोग इसमें नमक ऐड करेंगे और नमक भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मतलब जीरा राइस हमारा रेडी है। और उसके बाद उस पर धनिया पत्ता जो है वो गार्निशिंग के लिए डाल देंगे। तो इस तरह से अगर जीरा राइस आप बनाओगे तो होटल जैसा जीरा राइस बनेगा, मतलब आप देख सकते हो अभी बिल्कुल होटल जैसा जीरा राइस। अब जब होटल में जाते हो और जीरा राइस लेते हो तो बिल्कुल ऐसे ही जीरा राइस हमें मिलता है। उसके बाद इन्होंने ना गार्डन से फ्रेश धनिया लाया था, धनिया पत्ता, मतलब आप लोगों को तो मैंने बताया ही था कि हम लोगों ने धनिया पत्ता लगाया है हमारे वो कैरियो में, तो वहाँ से इन्होंने धनिया पत्ता लाया था और इन्होंने मुझे काट के दिया था। तो फ्रेश धनिया पत्ता इनको बहुत ज़्यादा पसंद है ऐसी चीज़ें लाना और डालना, मतलब कड़ी पत्ता भी ये मुझे, मेरे मतलब मुझे याद नहीं रहता है एक्चुअली, तो इसी वजह से ये लेके आते हैं और मतलब उसके याद रखते हैं कि ये खाना बना रही तो इसको याद नहीं रहेगा। और फिर वो लेके आते हैं, चॉप करके देते हैं और इस तरह से डाल भी देते हैं। इस तरह से उन्होंने डाला था धनिया पत्ता, और आप देख सकते हो बिल्कुल जो जीरा राइस है वो बिल्कुल होटल जैसा दिख रहा है। और इस तरह से ज़रूर ट्राई करना आपने अगर नहीं किया है तो। और यहाँ पर मैं गुलाब जामुन बनाने के लिए, गुलाब जामुन का जो मिक्स है वो यहाँ पर बना रही हूँ, जो पेस्ट होता है गुलाब जामुन का, पेस्ट बोल रही हूँ, वो जो गोला होता है, लोई होती है, वो बना रही हूँ। और यहाँ पर
सुरुचि का जो गुलाब जामुन रेडीमेड मिक्स है वो मैंने लिया है। इन्होंने टाइम पर वही ला के दिया था मुझे, क्योंकि मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कुछ स्वीट बनाने के लिए, तो यही गुलाब जामुन ही बनाया था मैंने। और यहाँ पर मैं कलर मिक्स कर रही हूँ उसमें, थोड़ा सा कलर आने के लिए, जो रेड कलर होता है फूड कलर वो मिक्स कर रही हूँ। एक पानी में आपको रेड कलर लेना है, एक पानी में आपको सॉरी वो लेना है, थोड़ा सा पानी लेना है और उसमें रेड कलर मिक्स करना है, और उसके बाद वो रेड कलर हम उसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर मैं एवरीडे का जो क्या बोलते हैं उसको, मिल्क पाउडर आता है वो ऐड कर रही हूँ, छोटा पैकेट मिल्क पाउडर का। इससे ना गुलाब जामुन बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं और सॉफ्ट बनते हैं, तो ये ज़रूर ट्रिक ट्राई करना आपने। और इसमें मैं गुलाब जामुन के मिक्सचर में जो क्या बोलते हैं एवरीडे का पैकेट मिक्सचर मिक्स करने के बाद जो अपना फूड कलर है वो मिक्स कर दे रही हूँ, और उसके बाद इसे पानी से ही इसका जो घोल है वो लूँगी, और पानी से ही बनाती हूँ मैं। और कोई बहुत लोग दूध मिक्स करते हैं, दूध से ये भिगोते हैं, बट मैं पानी से ही भिगोती हूँ, क्योंकि पानी से भी उतना ही अच्छे से टेस्ट आता है और दूध से भी वैसे ही टेस्ट आता है। हमने ऑलरेडी दूध पाउडर मिक्स कर लिया है, मिल्क पाउडर मिक्स किया है, तो दूध की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर पानी से ही मिक्स कर रही हूँ, और थोड़ा सा आपको इस तरह से मिक्स करना है पानी, और अच्छे से पेस्ट मतलब जो घोल है, पेस्ट पेस्ट ही बोल रही हूँ, अच्छे से घोल जो है बना लेना है। और अगर ये से पतला भी हो जाता है ना, तो आपको थोड़ी देर के बाद ये मतलब वो हो जाता सेट हो जाता है, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देना है आपको और सेट हो जाएगा। उसके बाद मैं कुछ काम कर लूँगी उस तब तक ये सेट हो जाएगा, और आप देख सकते हो अभी चिपक रहा है ना, तो उसके बाद वो नहीं चिपकेगा और अच्छे से उसकी लोइयाँ बन जाएगी। और अगर आप पहले से ही टाइट मिक्स कर लेते हो ना, तो इतने अच्छे से सॉफ्ट नहीं बनते हैं जो आपके गुलाब जामुन है, अच्छे से सॉफ्ट नहीं बनते हैं, थोड़े से टाइट टाइट ही बनेंगे। तो पहले ही मतलब पहले ही इतना ज़्यादा भी पानी मत डाल देना, नहीं तो बोलोगे कि दीदी ने बोला है कि ज़्यादा ही पानी डालना है, ऐसे मत करना। आप कंसिस्टेंसी आपको पता चल जाएगी कैसे करना है, तो जैसे मैंने आपको दिखाया है। और ये ना यहाँ पर मैं आटा भिगो रही थी उसके लिए, रोटियों के लिए, तो आटा भिगोने के बाद मैं रोटियाँ भी स्टार्ट कर दूँगी बनाना, फिर मेरी रोटियाँ भी बन जाएगी, उसके बाद मैं गुलाब जामुन बना लूँगी। तो गुलाब जामुन कैसे बनाती हूँ मैं आगे देख ही लेना आप। और यहाँ पर मैंने रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इनको ना ड्यूटी जाना था, और इन्होंने मुझे टाइम पर बताया कि मुझे ड्यूटी जाना है, तो इसी वजह से फिर मैंने गुलाब जामुन रख दिए थे बनाना, फिर बाद में बनाए थे। और यहाँ पर मैंने सब्जी तो बन चुकी थी मेरी, फिर बाद में चावल भी बन चुके थे, तो उसके बाद मैं यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि इनको ड्यूटी जाना था, तो इसी वजह से मैंने जल्दी जल्दी रोटियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया। इनको परोस दिया था, उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया था, और इन्होंने यूनिफॉर्म वगैरह पहन लिया था, और यही खुद परोस रहा है खुद के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं था, इन्होंने वक्त पे बताया था, तो इसी वजह से यहाँ पर वो सब्जी जो है वो ले रहे हैं, और वहाँ पर उनकी थाली जो है परोस रहा है। मैं यहाँ पर गरम गरम रोटियाँ बना रही हूँ उनके लिए, और रोटियाँ बना दूंगी। वहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा राइस ले लिया था पहले, और गाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जल्दी जाना था उन्हें और ऑलरेडी लेट हो चुका था उनको, तो इसी वजह से यहाँ पर मैं रोटियाँ बना लूँगी, उसके बाद वो खा लेंगे, और उसके बाद मैं गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करूँगी, और उसके बाद हम लोग खाएँगे। यहाँ पर ये खाना खा के ड्यूटी चले गए थे, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन अभी, और सारी लोइयाँ बना के मैंने इस तरह से रख दी है, और आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट सी और प्लेन सी लोइयाँ बनाई हैं। मतलब इस तरह से अगर लोइयाँ बनाते हो तो बिल्कुल आपके गुलाब जामुन कभी नहीं फूटेंगे, और मतलब बहुत ही अच्छे बनेंगे होटल जैसे ही। तो एक्चुअली मैं जब गुलाब जामुन बनाती हूँ ना, तो सभी पसंद आता है गुलाब जामुन मेरे, इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर अच्छे से उसे चलाते जाना है मीडियम फ्लेम पे, आप हाई फ्लेम कभी मत रखना, जब भी गुलाब जामुन बनाओगे तो हाई फ्लेम कभी मत रखना, क्योंकि अंदर से कच्चे रहते हैं और बाहर से वो मतलब वो ब्लैक हो जाते हैं जल्दी से, तो इसी वजह से मीडियम फ्लेम पे बनाना, और वो पलटते रहना है आपको बार बार उसे। और इसी वजह से यहाँ पर मैं उसका जो क्या बोलते हैं चाशनी वो भी बनाना स्टार्ट कर दे रही हूँ। अगर 2 ग्लास आप लेते हो, एक पैकेट के लिए 2 ग्लास सफिशेंट है, मतलब चाशनी ज़्यादा बचेगी भी नहीं आपकी, और ज़्यादा मतलब वो भी नहीं होगी, कम भी नहीं पड़ेंगी। तो इस तरह से मेरे गुलाब जामुन में चलाते जा रही थी। यहाँ पर मैंने 2 ग्लास पानी लिया था, 2 ग्लास चीनी ली थी। अगर आप 1 ग्लास पानी लेते हो तो 1 ग्लास चीनी लेनी है आपको चाशनी के लिए, और चाशनी होने देनी है। और यहाँ पर मेरे गुलाब जामुन रेडी हो गए थे, आप देख सकते हो यहाँ से इस तरह से कलर आया था उसको। और बस इसी तरह से गुलाब जामुन रेडी हो जाने के बाद मैंने चाशनी बनाना स्टार्ट कर दिया था, और चाशनी को मतलब इधर साइड में रख दिया था, और वो कढ़ाई निकाल दी थी, और चाशनी मैं बार बार चेक कर रही थी कि चाशनी की कंसिस्टेंसी कैसी होनी चाहिए। यहाँ पर मैं इलायची का पाउडर बना के रखती हूँ, इलायची और चीनी मिक्स करके बना के रख देती हूँ पहले से ही, तो वो बरनी में मैं रख देती हूँ हमेशा ही। तो इस तरह से मेरी चाशनी रेडी हो गई थी, 15 मिनट में आपकी चाशनी रेडी हो जाएगी, और उसके बाद आप मतलब देख सकते हो इस तरह से गुलाब जामुन बन गए थे मेरे।
और साइड में दाल भी बन रही थी, तो दाल को मैंने बाद में तड़का लगा दिया था। उसके बाद सारे मेहमान थे तो इसी वजह से हमने साथ में खाना खा लिया था। फिर अद्विक, आपने क्या खाया अभी? क्या दूध ब्रेड। दूधू ब्रेड? हाँ, हाँ, दूध ब्रेड खा ला मैं। दूधू ब्रेड खा ला। हाय बोल दो एक बार किसी दो। और बपरे डकार किसी दो, ऐसे नहीं, फ्लाइंग किस ऐसे। गुड बॉय। और ना अद्विक को यही ड्रेस पसंद आ रहा है, 2-3 दिन से यही ड्रेस पहन रहा है। अद्विक, आपको यही ड्रेस पसंद आ रहा है? क्यों, अच्छा लग रहा है आपको ये? पैकेट कौन सा पैकेट? क्या बिट्टो हे मीठे उला आता, तुझे अपन तो दूध पीला ना। लो ब्रेड खा ला ना तू। इकुन पन दिस्ती बड़ इस इकुन पन दिस्ती इकुन। हे गाइस, अभी अभी मैंने चाय पी है और पूरा घर खाली हो गया है, मतलब गेस्ट वगैरह चले गए हैं तो खाली खाली सा लग रहा है आज तो। पूरा घर खाली लग रहा है मुझे, इसी वजह से अच्छा भी नहीं लग रहा है, मतलब मन भी नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। अद्विक है तो अद्विक को मैंने आज स्कूल नहीं भेजा क्योंकि मुझे ये मतलब अजीब सा लग रहा है, इसी वजह से मैंने आज उसको स्कूल नहीं भेजा, नहीं तो मैं अकेली अकेली हो जाती और फिर कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। तो इसी वजह से ये देखो कॉपी कैट। और हाँ, मेरे एक प्यारे से सब्सक्राइबर है राजेश्री, वो मुझे रिक्वेस्ट किए जा रही थी कि उनको मेकअप लुक देखना है, मतलब गाउन पे उनकी सिस्टर की शादी है तो उनको मेकअप लुक देखना है। बट सॉरी डियर, मेरे घर पे ना गेस्ट आए हुए थे, इसी वजह से मैंने आपको कमेंट पे भी बताया कि मेरे घर पे गेस्ट आया है। बट उसके लिए सो सॉरी कि मैं आपके लिए कोई भी मेकअप वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि आज गेस्ट गया है और मैं आपके सिस्टर की शादी कल है और मैं आज के आज कैसे, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली मेरे जो वीडियोस पहले के हैं, एक वीडियो पहले का है वो भी मुझे एडिट करना है और उसे भी अपलोड करना है, और उसमें ही कितना टाइम चला जाता है। और मेरे बाकी के काम भी पड़े हैं, क्लीनिंग पड़ी है, कोई गेस्ट आते हैं तो हम लोग क्लीनिंग पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, मतलब टाइम ही नहीं मिलता है गेस्ट, मतलब गेस्ट के ऊपर ध्यान दो, इसी वजह से ज़्यादा क्लीनिंग के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो मुझे क्लीनिंग करनी है, मतलब जो भी सामान पड़ा है बाहर ही, कुछ सामान पड़ा है तो वो मुझे अंदर रखना है, तो ये सारी चीज़ें करनी है और उसी वजह से। और आज मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, फिर भी करूँगी, तो इसके लिए सो सॉरी डियर, मैं आपके लिए कोई वीडियो नहीं बना पाई। बट नेक्स्ट टाइम आपकी रिक्वेस्ट मैं पूरी करूँगी। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और मेरे इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। और चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।